अगली खबर का रुख करें जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश की माली हालत खराब है। उन्होंने कहा कि गारंटियां तो कांग्रेस ने दी थी लेकिन उसे पूरा नहीं किया है। यहां पर राजीव बिंदल का कांग्रेस पर बड़ा निशाना, जहां पर प्रदेश की माली हालत को यहाँ पर बिंदल ने खराब बताया, साथ में सत्ता में आने की झूठी गारंटी दी गई है, ये भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 20 महीने का सफर, कहां तो 2022 में गारंटियां भरमा सोचने की भी आवश्यकता नहीं, कहां 28 लाख बहनों को और 1500 रुपया महीना देते हुए हजारों करोड़ रुपया दे देंगे, कहां 300 यूनिट बिजली फ्री देते हुए और बिजली बोर्ड को हम भट्टा भी बिठा देंगे, पर हमें तो वोट चाहिए, ये दृष्टि 2022 में थी। बदलते हुए स्वर, बदलती हुई भाषा आज और हिमाचल प्रदेश की माली हालत खराब है, इसकी दुहाई। क्या ये वही कांग्रेस जो 2022 में कहती थी 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी, और कोई एक नेता नहीं बोलता, राष्ट्रीय स्तर से नेता आए और हिमाचल प्रदेश के सभी नेता छोटे बड़े 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में दे रहे थे, 1500 रुपया महीना हर बहन को 18 साल से ऊपर 1500 रुपए महीना दे रहे, 300 यूनिट बिजली फ्री हर किसी को दे रहे। कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई और झारखंड से आया, हर किसी ने अपना फॉर्मूला लगाया, हिमाचल को प्रयोगशाला बनाया और प्रयोगशाला बना के सत्ता प्राप्त कर ली। परंतु सत्ता प्राप्त करने के बाद स्वर बदले बदले मेरे सरकार नजर आती। हिमाचल प्रदेश की